वंस अगेन वेलकम टू एमएनएस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर थर्ड मैट्रिक्स मैट्रिक्स का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस मूव। फर्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नंबर वन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज दैट इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन देन ए डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है तो उसका ट्रांसपोज जो होगा वो ए के ऊपर डैश लगा करके डिनोट किया जाएगा, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका मींस क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास ए इक्वल्स टू कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, सपोज दैट 1, 2, 3 एंड 4। अब मुझे इसका ट्रांसपोज चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो मैं इसमें क्या करूंगा, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। किसमें कर देते हैं, रो चेंज इनटू कॉलम, या कॉलम को रो में बदले, बात एक ही है। तो रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो यहां पर रो में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 एंड 2। इसमें जो रो में एलिमेंट है आपके रो 1 और रो 2, रो को आप कॉलम में लिखना शुरू करोगे तो कॉलम में आपका आएगा 1, 2, 3 एंड 4। इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स व्हेन वी चेंज एलिमेंट ऑफ रो इनटू एलिमेंट ऑफ कॉलम। ओके, नेक्स्ट आपका आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए डैश इक्वल्स टू ए, ए डैश इक्वल्स टू ए, दैट मींस अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हो, और ट्रांसपोज का मतलब हो गया नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देते हो एलिमेंट्स को, तो मैट्रिक्स वही रहती है, सेम मैट्रिक्स रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, दैट इज द कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट मींस ए डैश इक्वल्स टू ए, सेम वही मैट्रिक्स आपको मिल रही है, ट्रांसपोज करने पर कोई इफेक्ट उसमें नहीं आ रहा है, तो वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच आफ्टर ट्रांसपोज यू गेट नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। मतलब आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, मतलब उसके नंबर रो के जो एलिमेंट थे उसको कॉलम में लिख लिया, और आपका जो आंसर आ रहा है जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसमें से माइनस कॉमन लेने पर सेम मैट्रिक्स आपको मिल रही है, यानी ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए। कीप इन माइंड इफ ए डैश इक्वल्स टू ए वही मैट्रिक्स मिल रही है तो सिमेट्रिक है, और माइनस कॉमन लेने पर वो मैट्रिक्स मिल रही है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इसी पर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज आपकी 3.3 आपकी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1, ए इक्वल्स टू 1, -1, 2 और 3, ये आपको गिवन है, यू हैव टू फाइंड द ए डैश। तो ए डैश जब आपको फाइंड आउट करना है तो सिंपली मैंने अभी बताया था नंबर ऑफ रो के जो एलिमेंट है उनको आप कॉलम में लिख दीजिए, मतलब ये वाले जो एलिमेंट है 1 और -1 उनको हम कॉलम में लिख दे रहे हैं, 1 और -1। सेकेंड रो के एलिमेंट सेकेंड कॉलम में लिख दे रहे हैं, ये आपका हो गया ए डैश ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। यू हैव गिवन ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई, आपको गिवन है ए प्लस ए डैश क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो हम इसकी एल एच एस साइड ले लेते हैं, ए प्लस ए डैश यू कैन राइट ए, ये हमने लिख लिया। ए डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज भी जो हमारे रो में एलिमेंट है उसको हमें कॉलम में लिखना है, तो कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा को मैंने कॉलम में लिख लिया, साइन अल्फा कॉस अल्फा को भी कॉलम में लिख लिया, और दोनों के बीच में प्लस साइन है, दैट मींस आप दो मैट्रिक्स को तभी प्लस कर सकते हो जब उनका ऑर्डर सेम हो। यहां पर हमारा ऑर्डर सेम है तो हमने ऐड कर रहे हैं कॉस अल्फा और कॉस अल्फा आपका 2 कॉस अल्फा हो गया, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। नाउ वी टेक 2 कॉस अल्फा कॉमन, 1 0 0 1, 2 कॉस अल्फा इनटू आई, 1 0 0 1, इट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये पूरी आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब a प्लस ए डैश आपको गिवन था पहले से, a प्लस ए डैश इक्वल टू आई, दैट मीन्स 2 cos अल्फा इंटू आई इक्वल टू अगेन आई, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपको मिलेगा 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, दैट इज cos अल्फा इक्वल टू 1/2, और 1/2 cos की टेबल में जो वैल्यू होती है आपकी वो cos 60, That means the value of alpha equals to 60. Okay, student, इस तरीके से हमारी ये problem solve हो गई। अब इसमें एक property और आती है, every square
मैट्रिक्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, आप उसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों को सम करके उसके इक्वल आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो उस पर एक बेस्ड प्रॉब्लम, किस तरीके से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट अस एग्जांपल, ए इक्वल्स टू 3 5 1 माइनस 1, एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं पी, पी इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए डैश। तो हाफ ए, ए को आप लिखोगे जो भी आपके पास है, ए कितना है 3 और 5 1 और माइनस 1 प्लस ए डैश। ए डैश मीन्स इसका ट्रांसपोज करना है, तो जो रो में एलिमेंट है वो आपको कॉलम में लिखने हैं, ये आ गए आपके। आफ्टर दैट इन दोनों को आपको क्या करना है, ब्रैकेट में इनको बंद करना है और इक्वल को इसमें इनको ऐड कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6 और -1 -1 -2। अब आप 2 से डिवाइड करेंगे, इसको बाहर 2 लिखा है, 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 1 2। अब आपको यह बताना है कि P जो है इसका सिमेट्रिक है कि नहीं, मतलब P डैश आप फाइंड आउट करो। P डैश मीन्स इसके जो नंबर ऑफ रो में जो एलिमेंट हैं उनको आपको किस में लिखना है, कॉलम में चेंज कर दो। तो ये आपके हो गए 3 3 3 और -1, ये उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया जो मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट की है। तो P डैश अगर हमारे P के बराबर आ गया, इसका मतलब P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि P हमारी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ वी मूव Q इक्वल टू हाफ A माइनस A डैश, तो हाफ लिखेंगे और A के प्लेस पर A वाली मैट्रिक्स 3 5 1 -1 -A डैश ट्रांसपोज करो A का, 3 5 1 -1, और इसको सॉल्व आउट करते हैं, हाफ 3 -3 0, 5 -1 4, 1 -5 -4, -1 और -1 +1 दैट इज 0। आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0 2 एंड -2 एंड 0। अब आप फाइंड आउट करना Q डैश फाइंड आउट करेंगे तो नंबर ऑफ रो को या रो के जो एलिमेंट है उसको आप किस में लिखोगे, कॉलम में लिखोगे। तो 0 2 -2 और 0। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस का हो गया, ये माइनस का और ये 0। अब आपके पास जो मैट्रिक्स बची है, ये वाली जो पूरी मैट्रिक्स जो आई है, ये माइनस बाहर लेने पर ये सेम ये वाली मैट्रिक्स है, दैट मींस ये क्यू के इक्वल आ रही है। तो क्यू डैश आपका किसके इक्वल आ गया, माइनस क्यू के इक्वल आ गया, क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू, दैट मीन्स क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि इसकी प्रॉपर्टी में बताया गया था, अगर ए डैश इक्वल टू ए होता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो यहां पर पी आपकी कैसी हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, और क्यू आपकी कैसी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। और हमें क्या करना है, सम करना है पी और क्यू का, पी और क्यू का सम, मतलब पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और क्यू आपकी कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पी आपकी कितनी है, 3 3 3 -1 एंड क्यू 0 -2 2 -2 0। अब इसको प्लस कर लेते हैं तो आपके पास आएगा 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, एंड 3 प्लस 2 5, एंड 3 -2 1, और -1 प्लस 0 -1। क्लियरली ये जो मैट्रिक्स आपको मिली है 3 5 1 -1, ये वही मैट्रिक्स है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट मींस आप यहां पर ए लिख सकते हो। तो मींस क्या हो गया, पी प्लस क्यू ए के बराबर आ गया। हेंस आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी इसे सम के फॉर्म में आपने लिख दिया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपकी और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम राइट डाउन कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या थी उसके बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।